वेल ओके फ्रेंड्स तो जैसे मैंने कहा था कि मैं कॉन्शेंट हैबिटेट सेक्टर 99 के लिए जो टू बी के प्लस यूटिलिटी का जो वीडियो है सैम्पल लेआउट है वो मैं आपके सामने यहाँ पे बताऊंगा सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टू बी एच के प्लस यूटिलिटी वाला अपार्टमेंट है उसका यहाँ पे हम एक्चुअल फ्लैट यहाँ पे हम देखते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये कॉरिडोर है और यहाँ से हमने यहाँ पे एंट्री ली इस फ्लैट के अंदर और जैसे आप एंट्री में लेते हो आपको एक फोयर एरिया मिलता है और ये आपका लिविंग एंड डाइनिंग रूम जो है वो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आता है और उसी में एक यहाँ पे विंडो उन्होंने यहाँ पे दी हुई है और ये विंडो की काफ़ी अच्छी यूटिलिटी है बिकॉज आप एसी के जो आउटडोर यूनिट है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो एंड फिर ये कि यहाँ पे किचन दी है किचन मुझे बहुत पसंद आई बिकॉज किचन का जो लेआउट uh, है बहुत अच्छा है वेंटिलेशन बहुत अच्छी है और सबसे बढ़िया बात जो एक यूटिलिटी बालकनी यहाँ पे दी हुई है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपके यहाँ पे काम में आएगी राइट right. एंड uh, uh, ये आप देख रहे हो बिल्कुल सेपरेट किचन है तो बहुत ही अच्छी सेपरेशन भी आपको यहाँ पे देती हुई इसके जस्ट सामने आपका ये पहला बेडरूम जो है ये गेस्ट बेडरूम यहाँ पे हो गया एंड इसमें भी आप देख सकते हो वॉल्स में यहाँ पे विंडोज यहाँ पे दी हुई हैं फुल हाइट विंडोज यहाँ पे दी हुई हैं और इससे भी नेचुरल लाइट काफी अच्छी यहाँ पे आती हुई प्लस यहाँ पे आप अपनी ए की जो आउटडोर यूनिट्स है वो भी यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो विंडो ए भी बड़े अच्छे से इंस्टॉल हो सकता है इसके साथ ही साथ बगल में आपका जो एक कॉमन वॉशरूम यहाँ पे हो गया जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये कॉमन वॉशरूम है ठीक है एंड इसके साथ साथ फिर ये दो बेडरूम्स आपके पीछे बैक साइड में आते हैं पहला बेडरूम जैसे आप यहाँ देख सकते हो पूरी फ्रेंच विंडोज यहाँ पे देंगी दी जाएंगी और बहुत ही अच्छी नेचुरल वेंटिलेशन और लाइट यहाँ पे आती हुई एंड सबसे अच्छी बात इसकी बालकनी जो है मुझे और ज्यादा पसंद आई काफी बड़ी बालकनी यहाँ पे दी हुई है एंड आप देखोगे दो टावर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत अच्छा है बहुत काफी डिस्टेंस दिया हुआ है और ये तीसरा बेडरूम जो था है ना बालकनी को अगर मैं इस कोने से देखू तो कितनी अच्छी ब, बड़ी बालकनी और विथ भी काफी अच्छी दी हुई है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये मेरा थर्ड मास्टर बेडरूम यहाँ पे हो गया बहुत ही अच्छा रूम साइज यहाँ पे है दस बाय बारह का रूम साइज है एंड इसके साथ ही अटैच्ड वॉशरूम भी यहाँ पे दिया हुआ है तो मास्टर बेडरूम के साथ एक अटैच वॉशरूम है है ना ये आप यहाँ से रूम साइज देखो बहुत ही अच्छा रूम साइज है ये और बहुत ही अच्छी नेचुरल लाइट भी इसके अंदर यहाँ पे आती हुई राइट right. तो ये दो बेडरूम्स जो हैं ये बैक साइड में हैं और बहुत ही अच्छा इनमें है नेचुरल uh, लाइट भी है ये किचन है बिल्कुल सेपरेट किचन है और ये मेरा लिविंग एरिया यहाँ पे हो गया जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे बना हुआ है